हे गाइज नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ की। तो कौन सा अध्याय रहने वाला है गाइज आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का अध्ययन करने वाले हैं। आज की वीडियो जबरदस्त रहने वाली है, एकदम बेहतरीन रहने वाली है गाइज। इस वीडियो में जो है हम लोग जो है प्रश्नावली 2.4 के जो भी सवाल हैं उन सबको लगाने का प्रयास करेंगे एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे कि आपको एकदम मक्खन के जैसा क्लियर हो जाए गाइज। तो गाइज अगर चैनल पर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है भाई, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड एक्स प्लस एक है। अर्थात आपको चार बहुपद दिए गए हैं, इन चारों बहुपदों में से कौन से बहुपद का गुणनखंड x प्लस एक है या नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, x प्लस एक उसी बहुपद का गुणनखंड होगा, x प्लस एक उन्हीं बहुपद का गुणनखंड होगा जिसमें x प्लस एक से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, वही आपका उसी बहुपद का ये गुणनखंड होगा। तो चलिए पहले के लिए चेक करते हैं कि पहले के लिए ये क्या है। तो पहला सवाल आपका हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या आपको दिया गया है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि एक बात आपको बताएं, इसको पहले आप क्या कीजिए, x प्लस एक को आप जीरो के बराबर रखिए, x प्लस एक बराबर क्या रखेंगे, जीरो। तो एक जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस एक। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू x बराबर माइनस एक आया है, ये वैल्यू हर एक सवाल के लिए आप उपयोग में लाओगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, हर एक जगह x की वैल्यू माइनस एक रखते हैं, और जहाँ जहाँ माइनस एक रखने के बाद अगर शेषफल शून्य आ जाता है तब तो वह इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। एक बार पुनः अपनी बातों को रिपीट करें, एक्स की वैल्यू माइनस एक इसमें भी रखेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में रख कर देखेंगे, जिस बहुपद का शेषफल शून्य हो जाएगा उसी बहुपद का ये गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए पहला चेक करते हैं, पहले के लिए चेक करते हैं। माना पी एक्स बराबर, मान लेते हैं पी एक्स एक बहुपद है, कितना है, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस कितना है, एक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस एक रखते हैं, क्या रखते हैं, x की वैल्यू माइनस एक रखते हैं। तो चलिए रखते हैं, x के स्थान पे कितना है गाइस, माइनस एक का क्यूब है, यहाँ माइनस एक का क्यूब की प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पे क्या रखते हैं, माइनस एक का स्क्वायर रखेंगे प्लस x है, x के स्थान पे माइनस एक रख देते हैं, फिर माइनस एक हो गया। तो इसको हल करते हैं, माइनस एक का आप जब तीन बार गुणा करोगे तो एक ही आएगा पर माइनस के साथ, तो यहाँ माइनस एक हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एक। ठीक, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, माइनस एक का वर्ग करोगे तो प्लस एक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस माइनस कितना होता है, माइनस एक, फिर वहाँ माइनस एक। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ चीज़ें आपकी क्या हो जा रही हैं, कैंसिल हो जा रही हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। तो कौन सी चीज़ें आपकी कैंसिल हो रही हैं गाइस, देखिएगा, तो ये आपका सवाल में देखिए यहाँ प्लस एक है, कितना है यहाँ, प्लस एक है, तो ये आपका प्लस एक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस माइनस से प्लस माइनस से कट गया, तो शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया, अर्थात p माइनस वन पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, अर्थात x की वैल्यू माइनस एक रखने पर शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। अतः लिख देंगे, अतः x प्लस एक पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, बस यही करना है गाइज आपको, यही सवाल में पूछ भी रहा। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा सेकंड पार्ट आपका क्या प्रश्न पूछ रहा है। सेकंड पार्ट है आपका पी एक्स बराबर, मानते हैं, माना पी एक्स बराबर कितना, एक्स घात चार है प्लस कितना है, एक्स क्यूब है प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस वन है। फिर से मैंने बोला है कि ये वैल्यू सबके लिए रखना है, तो एक्स बराबर माइनस एक रखने पर, तो चलिए रखते हैं, तो जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक रखेंगे तो पी माइनस एक हो जाएगा,
यहाँ एक्स घाते चार है तो माइनस एक घाते कितना हो जाएगा चार, प्लस कितना एक्स क्यूब तो माइनस एक का क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक का स्क्वायर, प्लस एक्स है तो यहाँ माइनस एक प्लस वन, अर्थात जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ केवल माइनस एक रखना है। तो माइनस एक का गुणा जब चार बार करोगे तो प्लस एक आता है, कितना आता है प्लस एक आता है, तो गाइस इसका प्लस एक हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका माइनस एक का तीन बार गुणा करोगे तो माइनस एक आएगा, कितना आ जाएगा माइनस एक। फिर से इसका माइनस एक का जब दो बार गुणा करोगे तो प्लस एक आता है, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और वो प्लस एक आपका ये है, ये कट गया, ये कट गया, तो आपका भी एक बचा है, क्या बचा है एक बचा है, जो p माइनस वन है वो जीरो नहीं प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ जीरो नहीं है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो अर्थात माइनस एक जीरो के बराबर नहीं है, अतः लिख देंगे, अतः x प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, यही आपको बताना है बस। फिर उसके बाद चलिए चर्चा करते हैं थर्ड पार्ट की, इसके थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्ट ये है, मान लेते हैं पी एक्स बराबर कितना है, एक्स घाते चार है, प्लस कितना है तीन एक्स क्यूब है, प्लस कितना है तीन एक्स स्क्वायर, प्लस कितना है तीन एक्स और सॉरी एक्स है, प्लस कितना है एक है। अब इसमें चेक करना है, तो मैंने बोला है कि ये वैल्यू सबके लिए उपयोग करने वाले हैं, तो x बराबर क्या कितना रखेंगे माइनस एक रखने पर, x बराबर माइनस एक रखने पर, तो चलिए जहाँ x है वहाँ पर माइनस एक रखेंगे तो p माइनस वन हो जाएगा। फिर यहाँ x घाते चार है तो यहाँ माइनस एक घाते कितना हो जाएगा चार, प्लस कितना है तीन है, x के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस एक घाते तीन, प्लस कितना है तीन, यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना x, तो x के स्थान पे माइनस एक और आपका प्लस एक हो गया। चलिए हल करते हैं, माइनस एक का गुणा चार बार करोगे तो प्लस एक होगा, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है, और जब भी किसी का पावर सम होता है और वो माइनस होता है तो उसका उत्तर माइनस में ही आता है, तो ये माइनस बल्कि सॉरी इसका कितना हो जाएगा एक हो जाएगा प्लस। इनका गुणा आप तीन बार करोगे, माइनस एक का गुणा तीन बार करोगे तो माइनस एक आएगा, और माइनस तीन हो जाएगा क्योंकि तीन का उसमें गुणा हो जाएगा। फिर आगे क्या है, माइनस एक का गुणा दो बार करोगे तो प्लस एक आएगा, और तीन का गुणा उसमें कर दोगे तो प्लस तीन हो जाएगा। फिर ये आपका माइनस एक है, वो आपका प्लस एक है, ये दोनों इनसे कट जाएंगे, ये दोनों इनसे कट जाएंगे, अभी भी आपका एक बचा ही है, और जो कि गाइस आप जानते हो कि जब ये आपका एक यहाँ बच ही गया है और यह जीरो के नॉट इक्वल है, अतः लिख देंगे कि जो आपका एक्स प्लस वन है इसका भी गुणनखंड नहीं है, अतः एक्स प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार आपका ये थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर आपसे क्या कर रहा है, माना मान लेते हैं जो पी एक्स एक बहुपद है जो कि आपको दिया गया है, कितना दिया गया है देखिए यहाँ दिया है एक्स क्यूब है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद कितना है माइनस टू, उसके बाद प्लस कड़ी में टू, फिर एक्स है, फिर उसके बाद कितना है प्लस कड़ी में टू। अब इसको बताना है कि यह एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो रखते हैं x बराबर माइनस एक रखने पर, क्या रखने पर माइनस एक रखने पर, तो चलिए जहाँ x है वहाँ पर क्या करते हैं माइनस एक रखते हैं, तो रखा गया। अब देखिए x क्यूब है तो यहाँ माइनस एक का क्यूब करेंगे, फिर उसके बाद कितना है माइनस है तो माइनस रखते हैं, x स्क्वायर है तो माइनस एक का स्क्वायर करेंगे माइनस टू, प्लस कड़ी में टू, x के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस एक रखेंगे, फिर उसके बाद प्लस कितना है कड़ी में टू। आइए हल करते हैं इसको, तो ये देखिए माइनस एक का तीन बार गुणा करोगे तो माइनस एक आएगा, और यहाँ माइनस एक का दो बार गुणा करोगे प्लस एक होगा, पर माइनस लगा तो माइनस एक लिख देंगे, फिर उसके बाद कितना है माइनस है, फिर उसके बाद इनका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस दो होगा,
और इनका गुणा यहाँ करेंगे तो भाई माइनस अंडर रूट दो होगा और प्लस कितना है अंडर रूट दो। चलिए और हल करते हैं, माइनस एक और माइनस एक जुड़ के माइनस दो हो गए और माइनस का गुणा इससे किए प्लस दो हो गया, माइनस का गुणा इधर किए तो प्लस कड़ी में दो हो गए और वो प्लस कड़ी में दो है ही है, ये दोनों तो कट जाएंगे, वो जुड़ के कितना हो जाएगा दो कड़ी में दो, और जो कि आप जानते हो कि यह जीरो के बराबर नहीं है। जब यह जीरो के बराबर नहीं है अतः लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे ये बातें कि भाई जो एक्स प्लस वन है अतः एक्स प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है ही लिख देंगे, इस बहुपद का क्या है भैया गुणनखंड नहीं है। ये रहा आपका सवाल, यहाँ पर क्या हो जाता है फर्स्ट का चारों पार्ट क्या हो जाता है गाइस कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चर्चा करते हैं सेकंड नंबर का। तो गाइस आपका सेकंड नंबर क्या कर रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है, अर्थात ये वाला इसका गुणनखंड है, ये वाला है या नहीं, ये वाला है या नहीं, अर्थात आपको बताना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है, वो भी गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो गाइस बताएं, आपको बता दें अच्छी बातें कि भाई साहब इनका जो जी एक्स है यदि इनका गुणनखंड होगा तो यक्स ये जो यहाँ मान प्राप्त होगा एक्स की वैल्यू जो यहाँ से प्राप्त होगी वो वैल्यू रखने पर यदि पी एक्स का मान शून्य आता है तब तो गुणनखंड है और नहीं तो नहीं है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है देखिएगा, तो पहला सवाल आपके यहाँ ऊपर नोट ही किया गया, तो पहले लगते हैं इस सवाल के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। जो जी एक्स है लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, चूंकि क्या करना है, चूंकि यदि जी एक्स ऐसे लिखते हैं, चूंकि नहीं यदि ना, यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है तो जी एक्स बराबर क्या जीरो, जी एक्स तो जी एक्स बराबर क्या जीरो, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस एक बराबर जीरो, प्लस एक बराबर उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस एक, अर्थात एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई माइनस एक, जो कि यहाँ पर हम रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं, क्या रखते हैं जो आपका पद है क्या आएगा इस देखिएगा, एक्स बराबर माइनस एक पी एक्स में रखने पर, तो पी एक्स में रखने पर तो पी एक्स कितना आएगा इस देखिएगा, पी एक्स कितना है, पी एक्स बराबर है दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन है। तो चलिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना है एक रखना है, तो यहाँ माइनस एक रखेंगे, यहाँ दो, एक्स के स्थान पे क्या है माइनस एक है तो माइनस एक का क्यूब, फिर प्लस एक्स के स्थान पे माइनस एक का स्क्वायर, फिर माइनस दो है एक्स के स्थान पे माइनस एक और ये माइनस एक हो गया। चलिए हल करते हैं, माइनस एक का तीन बार गुणा करोगे तो माइनस एक आएगा और दो का गुणा माइनस एक से कर दोगे तो माइनस दो आएगा, फिर माइनस एक का वर्ग करोगे तो प्लस एक आएगा, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस यहाँ प्लस दो आ जाएंगे और वो आपके माइनस एक आ गए, तो ये माइनस एक प्लस एक से दो कैसे तो क्या आ गया जीरो, अर्थात पी एक्स की वैल्यू रखने पर पी का वैल्यू क्या आ गया जीरो आ गया, अतः लिख देंगे यहाँ इस केस के लिए लिखेंगे कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का क्या गुणनखंड है, लिख देंगे अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है, अतः जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है गुणनखंड है। चलिए अब चर्चा करते हैं सेकंड भाग की, सवाल की सेकंड नंबर आपका क्या देख कह रहा है, सेकंड नंबर ये आपको दिया है, अब यहाँ फिर से जी एक्स बराबर क्या रखेंगे जीरो रखेंगे, तो चलिए जी एक्स बराबर जीरो रखने पर जी एक्स का शून्य निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक, तो चलिए जी एक्स बराबर जीरो रखेंगे, जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस दो बराबर जीरो, प्लस दो बराबर उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस दो,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस दो आई। ये वैल्यू उठा के पी एक्स में रख दो, तो पी एक्स क्या दिया गया, पी एक्स आपको दिया गया देखिए एक्स क्यूब है, फिर प्लस कितना है तीन एक्स स्क्वायर है, प्लस कितना है गाइस तीन एक्स है और प्लस वन है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, माइनस दो, तो रखेंगे x बराबर माइनस दो रखने पर। चलिए रखते हैं, तो जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ माइनस टू हो जाएगा, फिर x क्यूब, x के स्थान पे माइनस दो का क्यूब होगा और प्लस फिर तीन है, x के स्थान पे क्या है माइनस दो का स्क्वायर होगा, प्लस कितना है तीन है, x के स्थान पे माइनस दो रखना है फिर प्लस एक। हल करते हैं, देखिए माइनस दो का तीन बार गुणा करना है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, कितना आ जाएगा यहाँ माइनस आठ, प्लस माइनस दो का दो बार गुणा, दो दूनी चार और चार तिहैया बारह, यहाँ बारह हो जाएंगे, और तीन दूनी छः और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस छः और वो प्लस एक हो गए। तो चलिए बा देखिए ये क्या है आपका माइनस आठ है, बारह में से छः घटा देंगे छः और उधर एक बच गया, ये माइनस आठ छः एक सात, आठ में से सात घटा दोगे माइनस एक और ये आ गया p माइनस टू इक्वल टू माइनस एक, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, और जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो अतः लिखेंगे, अतः जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार आपका सेकंड नंबर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर आपसे क्या करा गया, थर्ड नंबर आपका क्या है, पी एक्स इक्वल टू इतना दिया गया, पी एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब है माइनस चार एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस छः है, फिर उसके बाद जी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस तीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जी एक्स बराबर जीरो रखने पर, जी एक्स बराबर जीरो रखने पर, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस तीन, एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, जहाँ जी एक्स था वहाँ एक्स माइनस तीन रख ली, माइनस तीन बराबर उधर जाता है तो प्लस तीन होगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस तीन, माइनस तीन उधर गया तो प्लस तीन हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया तीन, ये तीन उठा के यहाँ रख दो, तो एक्स बराबर तीन पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखने पर, तो चलिए पी एक्स कौन है, ये है, तो जहाँ x है वहाँ पर तीन रखेंगे p3 हो जाएगा, फिर x क्यूब है तो यहाँ तीन का क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर भैया कितना है माइनस चार है, माइनस चार x के स्थान पे तीन का वर्ग, प्लस कितना है x, तो x के स्थान पे तीन प्लस कितना हो गया छः, तीन का तीन बार गुणा, तीन त्रिक का नौ, नौ त्रिक सत्ताईस, ये सत्ताईस आ गए, माइनस तीन का गुणा दो बार, तीन त्रिक का नौ और नौ चौके छत्तीस, तो माइनस छत्तीस और छः तीन कितने हो गए नौ हो गए। तो गाइस देखिए ये सत्ताईस और ये नौ जोड़ के कितने हो जाएंगे छत्तीस और माइनस छत्तीस बराबर कितने जीरो, तो पी थ्री की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, अतः लिख देंगे अतः जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का क्या है गुणनखंड है। इस प्रकार आपका यहाँ पर ये थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो जाता है, जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है गुणनखंड है। कुछ भी नहीं करना है पूरे सवाल के दौरान, आपको ये ध्यान देना है कि जो जी एक्स की वैल्यू है उसे शून्य के बराबर करना, वहाँ से जी एक्स का शून्यक मिल जाएगा, वही वैल्यू उठा के पी एक्स में रख दो, यदि पी एक्स शून्य हो गया तो गुणनखंड है और नहीं हुआ तो नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चर्चा करते हैं थर्ड नंबर की। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर तीन आपसे क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा करा कि k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, जहाँ जहाँ k आया है आपको उस बहुपद में k की वैल्यू क्या रखना है, वही k का मान ज्ञात करना है। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से क्या कर रहा है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक जो है वो पी एक्स का क्या है गुणनखंड है, अर्थात आपको हर एक स्थिति में जो ये x माइनस एक है वो पी एक्स का क्या है गुणनखंड है, ये मान के चलना है। खुद कह रहा तो मानना क्या है। तो चलिए फर्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। फर्स्ट सवाल आपका ये है
तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना या तो ऐसे लिखते हैं x माइनस एक, वहाँ जो लिखा है x माइनस एक का शून्यक, का शून्यक जो है वो एक होगा। क्या होगा? एक होगा। कैसे होगा? क्योंकि x माइनस एक बराबर जीरो कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी, माइनस एक उधर जाएगा, तो शून्यक निकालना जान गए ना, तो x माइनस एक का शून्यक क्या होगा? एक होगा। तो लिखेंगे चूंकि x माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का क्या है? गुणनखंड है, अतः पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर जीरो। ठीक, यहाँ पर आगे रखते हैं, एक्स बराबर एक रखने पर, एक्स बराबर एक रखने पर, यहाँ से मिला है एक्स बराबर एक रखने पर, तो चलिए यहाँ एक का वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ एक हो जाएगा, फिर प्लस के बराबर जीरो, एक का वर्ग करोगे तो भी एक, यहाँ एक प्लस के बराबर जीरो, एक एक जुड़ गए दो, प्लस के बराबर जीरो, दो उधर गया, बराबर उधर गया तो माइनस हो गया, तो के की वैल्यू कितनी मिल गई? माइनस दो मिल गया। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। सेकंड नंबर में भी वही प्रोसेस करना है, एक्स की वैल्यू आपकी क्या है? एक है। आपको पता चल चुका है एक्स की वैल्यू कितनी है? एक है। क्या हो गया? एक्स की वैल्यू क्या है? एक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्स माइनस एक का शून्यक एक है, का शून्यक कितना है? एक है। कितना है? एक है। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरा सवाल क्या दिया गया है, करा पी एक्स बराबर कितना है? दो एक्स स्क्वायर। क्यों है? एक स्टेप और लिखना है। लिखेंगे चूंकि एक्स माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड है, क्या है? पी एक्स का गुणनखंड है, अतः जो होगा पी एक्स जो होगा वो क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी है गाइस? देखिएगा, पी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ देखिए दो एक्स स्क्वायर है, प्लस कितना है? के एक्स है, प्लस कितना है? अंडर टू है, बराबर जीरो। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक है। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक है। तो चलिए एक्स की वैल्यू एक रखते हैं, तो यहाँ दो रखे, एक्स की वैल्यू एक रखते हैं तो एक का वर्ग करेंगे, प्लस के है, यहाँ वैल्यू एक रखेंगे, प्लस कितना है? अंडर टू है, बराबर जीरो। चलिए दो का गुणा एक में करेंगे दो आएगा, के का गुणा एक में करेंगे के आएगा, और प्लस कितना है? अंडर रूट टू, बराबर जीरो। तो दो उधर जाता है तो माइनस दो हो जाएगा, और ये प्लस अंडर रूट दो बराबर उधर जाता है तो अंडर रूट दो हो जाएगा। तो दोनों में क्या है? माइनस कॉमन है, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। के की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस दो प्लस अंडर रूट दो हो गया। ठीक, इतनी बातें समझ आई। अब हम चर्चा करेंगे थर्ड पार्ट की। अब चर्चा करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट आपसे क्या कर रहा है, देखिएगा पी एक्स इक्वल टू कितना है? देखिएगा पी एक्स इक्वल टू कितना है गाइस, ध्यान से समझिएगा। या तो डायरेक्ट रखते हैं कि पी एक्स बराबर क्या? जीरो। पी एक्स बराबर जीरो। क्यों पी एक्स बराबर जीरो? क्योंकि एक्स माइनस एक इसका गुणनखंड है। तो चलिए पी एक्स की वैल्यू कितनी है थर्ड के लिए? के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स, और प्लस कितना है? एक, बराबर कितना है? जीरो है। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है? एक रखना है। क्या रखना है? एक रखना है। तो चलिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रखते हैं, तो एक का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा? अंडर रूट दो। एक्स के स्थान पे एक रख देते हैं और प्लस एक बराबर क्या हो गया? जीरो। तो एक का वर्ग करोगे एक आएगा, तो के करना के, और माइनस अंडर रूट दो का गुणा एक से करोगे तो अंडर रूट दो ही आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट दो, और वो प्लस आपका एक बराबर कितना हो गया? जीरो। अब ये अंडर रूट दो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा प्लस अंडर रूट दो, और ये प्लस एक बराबर उधर जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई अंडर रूट टू माइनस वन। ये आपके हो गए आंसर। अब इसी के साथ आपका लास्ट नंबर सवाल है इस पार्ट का,
उसको देख लेते हैं भाई। इसमें तो दो दो जगह के आया है, अब क्या करेंगे सर जी? अरे कुछ नहीं करना यार, जैसे उसे लगा रहे हो वैसे ये भी है। चलो शॉर्टकट भाई, पी एक्स बराबर जीरो, क्यों? क्योंकि एक्स माइनस एक इसका गुणनखंड है। चलिए पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है? के एक्स स्क्वायर है, माइनस कितना है तीन एक्स प्लस के बराबर जीरो, और यहाँ आप जानते हो एक्स बराबर क्या रखना है, एक रखना है। तो चलिए यहाँ एक रखते हैं, एक्स के स्थान पे एक का वर्ग हो जाएगा माइनस तीन, एक्स के स्थान पे एक, फिर प्लस के बराबर जीरो। के का एक में गुणा करोगे के ही आएगा, माइनस कितना हो जाएगा तीन, और प्लस के बराबर जीरो। के जुड़ के कितने हो गए, दो के माइनस तीन बराबर जीरो। माइनस तीन बराबर कुधर जाता है तो प्लस तीन होगा, और दो इधर जाता है बटे में हो जाएगा तो तीन बटे दो। के की वैल्यू कितनी आ गई, तीन बटे दो। ये आपके हो गए फोर्थ पार्ट का आंसर। तो गाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग केवल यहीं तक बात करते हैं, केवल तीन प्रश्न तक की बातें करेंगे। अगला लेक्चर है, हम लोग अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे होता है, गुणनखंड क्या है। तो उस लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता होगा वहां आपको एक सरल ट्रिक, एक आसान तरीके से बता दिया जाएगा। और गाइस जरूर देखिएगा उस वीडियो को, मिस मत कीजिएगा। दोस्तों जिन लोगों को गुणनखंड नहीं आता वो वीडियो देखने के बाद गुणनखंड जरूर आने लगेंगे। तो गाइस यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और तब तक आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। अब मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।